नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे की मौजूदगी में शिक्षकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने इस मौके पर तमाम जिले के विधायकों को आमंत्रित किया और उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि समाज के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक अपने दायित्वों को समझते हुए मध्य प्रदेश को एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में काम करें। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले के तमाम विधायक भी मौजूद रहे। मंत्री जी के काम ही ऐसे है कि जो बरसों से उपेक्षित थे अध्यापक वर्ग, उनकी पीड़ा थी, उनके घरों को पूर्ववर्ती सरकारों ने तोड़ने का काम किया, वो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने एक ही झटके में पहले ही साल में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय अध्यापक वर्ग के पक्ष में लिया। सातवां वेतनमान, ट्रांसफर नीति और अन्य जो मांगे थी, जो 15 साल से दर दर भटक रहे थे अध्यापक वर्ग, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक सौगात दी है और इसलिए पूरे अध्यापक वर्ग ने उत्साहित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक आभार व्यक्त करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश जारी किए, प्रभारी मंत्री को उसके पावर दिए, जहाँ शिक्षक विहीन शालाएँ है उसको हम 3 दिन में भरने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे हमारे सांसद नकुलनाथ जी के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक शाला को 100% फर्नीचर देने का काम खनिज विभाग के माध्यम खनिज निधि से आदेशित किया है, वो पूरा करने जा रहे हैं। और जो भी कंप्यूटर की बात हो, शैक्षणिक सुविधाओं के लिए जो भी छात्र छात्राओं की सुविधा चाहिए, उसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और एक आदर्श जिला शिक्षा के क्षेत्र में चलेगी। की बात जहाँ पहले हमारी एजुकेशन की यूनिवर्सिटी आ रही थी, अब नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी के माध्यम से दूसरी सौगात हमें हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में मिल रही है, इसकी मैं बधाई देता हूँ और ये नकुलनाथ जी की पहल पे हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। खबरों को पढ़ने के लिए आप peptictime.com पर जा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।